बड़ी खबर आई गाजा में इज़राइल की सेना के ताबड़तोड़ सैन्य कार्रवाई से जुड़ी। इज़राइल की सेना ने गाजा में हमास के हथियारों के कई गोदाम पकड़ लिए। इज़राइल ने दावा किया कि इन गोदामों में हथियार बनाने का काम भी होता है। गाजा में हमास के गोदामों का पता इज़राइल की 261 ब्रिगेड ने लगाया और जानकारी दी कि ये गोदाम उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप के आसपास है और इज़राइल की 261 ब्रिगेड ने हमास के हथियारों के कई गोदामों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इज़राइल की सेना ने ऐसे ही एक गोदाम में रेड का वीडियो भी जारी किया और हमास के हथियारों के एक गोदाम की तस्वीर दुनिया को दिखा दी। वीडियो में दिखा कि इज़राइल की 261 ब्रिगेड के जवान बंदूक ताने एक मकान या यूं कहें कि हमास के हथियारों के गोदाम में घुसे और अंदर मौजूद लड़ाकों को सरेंडर की चेतावनी देते हुए गोली चला दी। इज़राइल के सैनिक एक गोली चलाकर ही नहीं रुके बल्कि उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज के बीच इज़राइल के सैनिकों की आवाजें भी आईं। बातचीत करते हुए इज़राइल के सैनिकों ने गोदाम का कोना कोना खंगाल डाला। बंदूक ताने ये जवान मकान का चप्पा चप्पा खंगालते दिखे। उन्होंने पहले एक कमरा खंगाला और फिर दूसरे कमरे में गए और वहां रखी चीजों की जांच की। इज़राइल ने एक और गोदाम का भी वीडियो जारी किया। ये वीडियो इज़राइल के सैनिकों ने रेड के दौरान ही बनाया। इज़राइल ने दावा किया कि इन्हीं गोदामों में हमास का हथियार बनाने का सामान रखा है और वीडियो में ये सामान साफ साफ नजर आया क्योंकि हमास के गोदाम में रॉकेट के आकार वाली पाइपें नजर आईं। इसके अलावा पाइप के टुकड़े भी नजर आए। इस गोदाम को एक नजर में देखकर लगा कि कबाड़ घर है क्योंकि जंग के दौरान इज़राइल की सेना ने इसे तहस नहस कर दिया। गोदाम में घुसते ही वहां कई कुर्सियां रखी हुई नजर आईं और अंदर के कमरों में रॉकेट बनाने का सामान रखा दिखा और इज़राइल ने दावा किया कि उत्तरी गाजा में उसने ऐसे कई गोदामों को खत्म कर दिया और हमास की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी क्योंकि जंग के शुरुआती दिनों में ही खबर आई थी कि हमास ने दक्षिणी इज़राइल में अपने गोदामों में तैयार की गई मिसाइलें दागी थी और इज़राइल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया था। और गाजा में इज़राइल की सेना उसी हमले का जवाब दे रही है। उत्तरी गाजा में तो हालत इतनी खराब हो गई मानो वहां खंडहर के अलावा कुछ बचा ही ना हो। इज़राइल की 261 ब्रिगेड ने जबालिया कैंप के आसपास हमास को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और टारगेट पर निशाना साधा। सबसे बड़ी बात ये कि उनका प्लान एक पूरी की पूरी इमारत गिराने का था, इसीलिए उन्होंने फोन के जरिए एक दूसरे से संपर्क किया और जैसे ही हरी झंडी मिली इज़राइल के एक सैनिक ने बटन दबाया। इधर बटन दबा उधर इमारत में बम फूटा और देखते ही देखते इमारत में आग लग गई और जबरदस्त धुआं उठा। इससे पहले इज़राइल के सैनिक ने एक दीवार का सहारा लेकर कंधे पर रखे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। उसने जैसे ही रॉकेट दागा जबरदस्त धमाका हुआ, धुआं उठा और आसपास लगे शीशों के टुकड़े गिरते दिखे। हमास के हथियारों के गोदाम को ध्वस्त करने के लिए वहां बुलडोजर भी पहुंच गए और फिर शुरू हुआ एक्शन। इज़राइल के सैनिक बंदूक ताने एक एक कोना छानते दिखे। उन्होंने पहले एक दरवाजा खोला, वहां छानबीन की और फिर दूसरे दरवाजे से झांक कर देखा और इतनी छानबीन के बाद आखिरकार वो असली जगह पहुंच गए क्योंकि आखिरकार उन्हें हमास के हथियारों का एक और गोदाम मिल गया जहां रखे हथियार देखकर इज़राइल के सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वीडियो में जमीन पर खतरनाक हथियार रखे नजर आए। बंदूकों और उनकी गोलियों के अलावा वहां कई धमाकेदार हथियार भी थे। इज़राइल के एक सैनिक ने खुद एक एक चीज की जानकारी दी। उसने पहले एक बम जैसी चीज दिखाई, फिर कुछ जैकेट दिखाई और अंत में उसने रॉकेट लॉन्चर की तरह इस्तेमाल होने वाला स्टैंड दिखाया। इज़राइल की सेना ने जानकारी दी कि उसकी 261 ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में जबालिया कैंप के आसपास ऐसे कई गोदामों पर छापे मारे और इस बीच उसकी सेना की दूसरी टुकड़ियों ने दक्षिणी गाजा में हमास लड़ाकों की धरपकड़ जारी रखी। इज़राइल की 414वीं बटालियन ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हमास के एक बड़े लड़ाके को मारने का दावा किया और उसे मौत के घाट उतारने का वीडियो जारी किया। वीडियो में हमास लड़ाका एक मकान में छिपा दिखा
उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज भी नजर आई। वीडियो में हमास लड़ाके की हर हरकत को हाईलाइट करके दिखाया गया। थोड़ी देर मकान में छिपे रहने के बाद जैसे ही उसे मौका मिला वो रॉकेट लॉन्चर लेकर भागा और दौड़ते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत में घुसा। लेकिन जैसे ही वो अगली इमारत की ओर बढ़ा आसमान से मौत बरसी और दो मकानों के बीच बम गिराया गया, जिसके बाद धमाके के साथ तेज रोशनी भी दिखाई दी। इसराइल की 414वीं बटालियन ने दावा किया कि उसने बम हमास लड़ाके के ऊपर गिराया और वो वहीं का वहीं ढेर हो गया। यानी गाजा में उत्तर से दक्षिण तक इसराइल की सेना ने कहर बरपाया। अब तो वो मैन टू मैन मार्किंग के सिद्धांत पर काम कर रही है, क्योंकि वो पहले हमास लड़ाकों के ठिकानों और इन्हें पहचानती है और फिर हमला करती है। उसने हमास को जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह खूब नुकसान पहुंचाया और दावा किया कि इसराइल की सेना ने हमास की 1500 सुरंगों का पता लगाकर उन्हें बर्बाद कर दिया। हमास की कई सुरंगों का तो इसराइल की सेना ने वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में इसराइल के सैनिक सुरंग के अंदर कार तक चलाते दिखे थे और इसराइल ने ऐसी ही एक सुरंग का एक और वीडियो जारी किया। इसमें इसराइल के कई सैनिक सुरंग में घुसने की जगह पहुंचे और फिर एक सैनिक धीरे धीरे सुरंग के अंदर दाखिल हुआ। जो सैनिक सुरंग में दाखिल हुआ उसके हेलमेट पर कैमरा लगा था और इस कैमरे में सुरंग के अंदर की तस्वीरें कैद हुई। वीडियो में दिखा कि सुरंग के अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी और सामने बहुत लंबी सुरंग नजर आई और सैनिक ने सुरंग का पूरा मुआयना किया। इसराइल ने दावा किया कि दक्षिणी गाजा में ऐसी सैकड़ों सुरंगें हैं और हमास ने इन सुरंगों का जाल स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे फैलाया है और इसराइल की सेना सुरंगों के इसी जाल को काट रही है। और यही नहीं, इसराइल ने दावा किया कि उसने हमास के प्रमुख फाइनेंसर सुभी फरवाना को एक हमले में मार गिराया है। यानी गाजा में हमास को पाई पाई के लिए मोहताज करने का इंतजाम कर दिया, क्योंकि इसराइल के मुताबिक सुभी फरवाना अपने भाइयों के साथ मिलकर हमास की मिलिट्री विंग और उसके लड़ाकों की सैलरी के लिए करोड़ों रुपए देता था। वो ये रकम अपनी कंपनी के जरिए हमास तक पहुंचाता था और इसराइल की सेना ने जानकारी दी कि उसने रफा बॉर्डर के पास सुभी फरवाना को घेर कर मारा, जबकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इसराइल ने रफा बॉर्डर के नजदीक रात में एयर स्ट्राइक की और इस हमले में 50 लोग मारे गए। और इसराइल के मुताबिक इस हमले में हमास का बड़ा फाइनेंसर मारा गया। यानी इसराइल हमास के लड़ाकों और हमास को पैसे देने वालों दोनों को खत्म कर रहा है। खबर तो ये भी है कि सुभी फरवाना को मारने का ऑपरेशन इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने चलाया और इस काम के लिए मोसाद की स्पेशल यूनिट को काम पर लगाया गया। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि मोसाद गाजा समेत कई और देशों में छिपे बैठे हमास लड़ाकों की तलाश कर रही है और इसी तलाश ने मोसाद को सुभी फरवाना तक पहुंचा दिया। यानी इसराइल की सेना, वायुसेना, नौसेना और मोसाद हाथ धोकर हमास के पीछे पड़े हैं और सीज फायर के दबाव से बेपरवाह हमास को खत्म कर रहे हैं। हालांकि इसराइल ने खुद माना कि हमास का अंत करने में वक्त लगेगा। इस बारे में इसराइल की कैबिनेट में सवाल भी पूछे गए और इस सवाल के जवाब में इसराइल के एक मंत्री ने लादेन का उदाहरण दिया और बयान दिया कि लादेन को मारने में अमेरिका को 10 साल लग गए थे, तो इसराइल को भी हमास का अंत करने में समय लग सकता है।